वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है टचान अग्रवाल। तो शुरू करते हैं आज की भी बिजनेस और फंडिंग न्यूज। दोस्तों सबसे पहली खबर निकल के आती है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। दोस्तों उन्होंने दोस्तों अपनी रिसेंटली एक बुकिंग ओपन करी थी स्कूटर की दोस्तों, और पहली दोस्तों 24 घंटे के अंदर दोस्तों उनकी 10,000 स्कूटर्स की जो बुकिंग की उनके पास इंक्वायरी रिसीव हुई है। और दोस्तों एक स्कूटर की जो प्राइस है ओला S1 मॉडल दोस्तों वो 1,00,000 रुपये। 7 सितंबर से उनकी जो लोगों ने जिन्होंने पहले से जो बुकिंग कर रखी थी उनकी जो है डिलीवरी शुरू होने वाली है। क्या आपने दोस्तों अब तक ओला S1 या S1 मॉडल S1 प्रो मॉडल को बुक किया है? दोस्तों आपके पास डिलीवर हो चुका है? क्योंकि दोस्तों बीच में जो है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में दोस्तों बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आई है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अच्छी से उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया। दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक बीच में जब टूट जाता है कभी उसमें आग लग जाती है। तो दोस्तों इसके बाद भी क्या आप लोग जो है ओला इलेक्ट्रिक को परचेस करने वाले हो? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों NRAI की तरफ से। दोस्तों नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जोमेटो और स्विगी दोस्तों वार्न किया दोस्तों उनको जो नोटिस भेजा है, क्योंकि दोस्तों ये जो पैसा बना रहे दोस्तों रेस्टोरेंट के दोस्तों बिजनेस को खा के बना रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जोमेटो पे और स्विगी डाउन की जो ऐसी फैसिलिटीज हैं दोस्तों जो इनको कंपलसरी डिस्काउंट देना पड़ता है, और ये दोस्तों जोमेटो और स्विगी जो है रेस्टोरेंट को फोर्स करते हैं जबरदस्ती डिस्काउंट से लेने के लिए। और दोस्तों एक्स्ट्रा 4 से 12% जो है कमीशन फी भी ही हर ट्रांजेक्शन में जो इनसे लेते हैं। और तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों जोमेटो पे जो है स्विगी वगैरह दोस्तों रेस्टोरेंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके बाद दोस्तों क्या ये रेस्टोरेंट वगैरह जो जोमेटो को यूज़ करना शुरू करेंगे या फिर दोस्तों किसी और प्लेटफॉर्म पर स्विच करेंगे? आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है स्कोडा इंडिया की तरफ से। उन्होंने जो है इस साल दोस्तों जो है सबसे ज़्यादा उनकी सेल हुई है कार्स की, 37,500 के करीब दोस्तों उन्होंने जो है अपनी गाड़ी बेची है। पिछले महीने दोस्तों अगस्त के महीने में 4,222 उन्होंने जो है एक ही महीने के अंदर गाड़ियाँ बेची हैं। अगर इसको पिछले साल के अगस्त के महीने से कंपेयर करें दोस्तों 10% उनकी राइज देखने को मिला, 3,800 के आसपास जो उनकी गाड़ियाँ बिकी थी पिछले अगस्त 2021 में। लेकिन दोस्तों अगर बात करें 2012 में दोस्तों इन्होंने सबसे ज़्यादा गाड़ी बेची थी 34,000 के आसपास। लेकिन दोस्तों अब 2022 में इन्होंने 10 साल बाद जो है सबसे ज़्यादा गाड़ी बेचने की इन्होंने जो है अचीव किया अपने टारगेट को। और स्कॉडा की दोस्तों हम कोई कार कभी देखी है या दोस्तों आप इसको यूज़ करते हुए कभी आपने खरीदा आप बता जरूर एक बार। इंडिया दोस्तों जो है थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है दोस्तों जर्मनी और सीजर रिपब्लिक के बाद। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है एक डाटा अभी दोस्तों निकल के आया है दोस्तों इंडियन अमेरिकन CEO जो भी दोस्तों हमारे सुंदर पिचाई दोस्तों पराग अग्रवाल जो दोस्तों बाहर की कंपनीज में दोस्तों इंडिया के हैं दोस्तों लेकिन बाकी कंपनीज में जो अपने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, उन्होंने जो है 3.6 मिलियन पीपल जो है 2021 में रिक्रूट किया है, जिसकी वजह से दोस्तों 8 ट्रिलियन डॉलर दोस्तों रेवेन्यू जनरेट हुआ है और 5 ट्रिलियन डॉलर दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन जनरेट हुआ है। दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है जो इंडियन CEO से दोस्तों बाहर जाकर काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर अपनी कंट्री में काम करेंगे दोस्तों जो और ज़्यादा लोगों को हमारी कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा और हमारा दोस्तों जो देश है वो ग्रो कर पाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है एक बार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों जो RBI के गवर्नर है दोस्तों उन्होंने कहा है कि दोस्तों अप्रैल के महीने में दोस्तों हमारे इंडिया में तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन थी, लेकिन दोस्तों अब जो इन्फ्लेशन है धीरे धीरे कम होने लगी है। अगले जून तक दोस्तों जो है इन्फ्लेशन को 5% पर ले आएंगे। और दोस्तों जो RBI गवर्नर है उन्होंने कहा है कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था 16.2% का सेंट्रल बैंक ने एक्सपेक्ट किया था GDP हमारी ग्रो करेगी Q1 में फाइनेंशियल 2023 के में, लेकिन दोस्तों जो हमारी GDP है वो 13.5% से ग्रो करी है। अब दोस्तों देखते हैं कि कब तक जो है दोस्तों हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल पाता है। सरकार दोस्तों जो ऐसी पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रही है, RBI भी ऐसी पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है जैसे कि दोस्तों जो GDP दोस्तों ग्रो किया जा सके, इकोनॉमी को ग्रो किया जा सके, लेकिन दोस्तों इन्फ्लेशन जो है इंडिया के अंदर कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों GMR इन्फ्रा प्रोजेक्ट दोस्तों जो कंपनी है वो 6,000 करोड़ रुपये दोस्तों रेज करने वाली है दोस्तों फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के द्वारा या फिर दोस्तों किसी और सिक्योरिटी के द्वारा। दोस्तों ये जो पैसा आएगा वो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो लगाया जाएगा जैसे कंपनी दोस्तों और ज़्यादा ग्रो कर सके। और दोस्तों जो है दिल्ली मुंबई दोस्तों जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ है दोस्तों इनमें जो है लैंड को खरीद के दोस्तों जो है कमर्शियल लैंड पर जो है एयरपोर्ट्स बिल्ड किए जाएंगे दोस्तों, और जो है फैसिलिटीज़ को इंप्रूव किया जाएगा कंपनी ने ऐसा कहा है। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है सॉफ्ट बैंक की तरफ से। दोस्तों उनका जो एक विजन फंड है जो दोस्तों काफी दिनों से जो है लॉस में चल रहा था दोस्तों अब कंपनी ने कहा कि उसमें से जो है 20% एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाएगा। अब दोस्तों कुछ जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं इस पर भी डिबेट कर रहे हैं कि क्या दोस्तों 20% को निकाला जाए, या किसी ने भी दोस्तों कहा है एक बंदे ने कि 50% को भी जो है निकाल देना चाहिए। दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है ये बड़ी बात हो गई कि 20 से 50% जो है एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है। दोस्तों सॉफ्ट बैंक दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी, टोक्यो की कंपनी दोस्तों, वो जो है अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करती है दोस्तों अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, और काफ़ी अच्छे जो प्रोफेशन है जो हमारी बहुत सारी इंडिया की कंपनीज में भी जो है ओला उबर जोमेटो स्विगी ऐसी कंट्रीज में जो इन्वेस्ट कर रखा है। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों वो 2,474 करोड़ दोस्तों जो है रुपीज़ रेज करने वाला है बॉन्ड्स के माध्यम से दोस्तों, और ये बॉन्ड्स होने वाले दोस्तों अनसिक्योर्ड परपेचुअल नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। दोस्तों अनसिक्योर्ड दोस्तों आपको पता है कन्वर्टेबल परपेचुअल बॉन्ड दोस्तों वो बॉन्ड्स होते हैं जिनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती और इनको जो है डेट से ज़्यादा उनको जो है इक्विटी तरह कंसिडर किया जाता है। इस बॉन्ड दोस्तों जो बैंक दोस्तों 7.88% का जो इंटरेस्ट देने वाली है। क्या दोस्तों आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो और किस प्लेटफॉर्म के द्वारा करते हो? आप हमें कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइए। तो आशा करता हूँ आपको आज की जो बिजनेस में फंडिंग न्यूज़ है वो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ एक बार हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की डेली वीडियोस देखने के लिए।